आज हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल की। हमारी ये पहली क्लास है जिसमें हम बात करेंगे पेस्ट और पेस्ट स्पेशल के बारे में। तो ये क्या होता है, जब हम किसी डेटा को कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हैं तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट में क्या होता है, जैसे डेटा उससे उस तरह से पेस्ट होता है। अभी मैंने पेस्ट किया तो कुछ नंबर चेंज हुए, इस पर ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैंने फॉर्मूला लगा रखा है रैन बिटवीन का। रैन बिटवीन रैंडम डेटा देने के लिए लगाया जाता है। मैं कहीं भी डबल क्लिक करूंगा तो दोनों फॉर्मूले अपना वैल्यू को चेंज करेंगे, तो इस पे ध्यान मत दीजिएगा। तो जब पेस्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसा जो डेटा है जैसा आपने कॉपी किया सेम उसी तरह से पेस्ट होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि जब हम कॉपी एंड पेस्ट करते हैं तो उस समय क्या होता है कि हमारे पास एक और फीचर होती है पेस्ट स्पेशल। राइट क्लिक करने पे देख सकते हैं यहाँ पे, या फिर वैल्यू में जाके आप यहां पे देख सकते हैं, ये पेस्ट स्पेशल का पार्ट होता है। जब पेस्ट स्पेशल क्या है कि आपको एक पॉसिबिलिटी देती है कि जहां से आपने डेटा को कॉपी किया है और जहां पे आप पेस्ट कर रहे हैं उनके बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कुछ पर्टिकुलर पार्ट को हम पेस्ट कर सके। जैसे यहाँ पे ऑल है, अगर ऑल को सिलेक्ट करके ओके कर दिया तो नॉर्मल कॉपी पेस्ट की तरह फिलिंग आएगी, लेकिन अगर आपने इसी में फॉर्मूले को सिलेक्ट कर लिया तो इसका जो फॉर्मूला है वो पेस्ट होगा। अब कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सर ये जो आप देख पा रहे हैं नेम लिखा हुआ है, पूजा लिखा हुआ, मोहन लिखा हुआ, इसके अंदर तो कोई फॉर्मूला नहीं है, फिर इसको क्यों पेस्ट किया? तो फॉर्मूला का मतलब है जो फॉर्मूला बार में विजुअल है, जो यहाँ ऊपर आप देख पा रहे हैं इसमें जो विजुअल है उसको कॉपी पेस्ट करेगा। जी हाँ, जो फॉर्मूला बार में विजुअल है उसको कॉपी पेस्ट करेगा। फिर मैं राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आता हूं और यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि वैल्यूज कर देता हूं। तो वैल्यूज क्या करता है कि जहां से आप कॉपी पेस्ट करते हो उसको फॉर्मूला को रिमूव करके पेस्ट करता है। जी हाँ, फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट करेगा, फॉर्मूले को पेस्ट नहीं करेगा, उसको रिमूव कर देगा, देन पेस्ट करेगा। अब बात यहां पे आती है कि जो ठीक है फॉर्मूला रिमूव करके पेस्ट किया लेकिन अलग लोकेशन पे किया। अब मेरे पास आपके सामने ऊपर डेटा आपको दिख रहा है, मुझे इस डेटा का फॉर्मूला रिमूव करना है, मतलब इसको कॉपी करके मैं कहीं और पेस्ट नहीं करना चाहता हूं, इसी में हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो मैं कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और इसी में वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू सिलेक्ट किया, देन ओके। अब यहां पे आप देखिए कि आपके सामने फॉर्मूला रिमूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत सर इसमें? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पेस्ट स्पेशल में दो फीचर्स हैं, पेस्ट एज ए फॉर्मूला जो कि फॉर्मूलेज को उठा के पेस्ट करता है, और पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू जो कि आपकी वैल्यूज को पेस्ट करता है। अब बात करते हैं कमेंट्स, ए फॉर्मेट्स, इसकी फॉर्मेटिंग को पेस्ट करना है तो आप इसको कॉपी कीजिए, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और इसमें फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके कीजिए, तो इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो यहां आपको पेस्ट करेगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट कर सकते हैं। इसका यूज हम लोग, ये आपका पेंटर है इसको भी करते हैं। आपको मान लीजिए इसकी फॉर्मेटिंग कहीं पे डालनी है तो पेंटर से पेंट यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर लीजिए और फिर जहां पे पेंट करना है वहां पे पेंट कर दीजिए। तो सिलेक्ट करना है, ब्रश उठाना है और जहां पे इसकी फॉर्मेटिंग चाहिए वहां पे दे मारिए, फॉर्मेटिंग आपको यहां पे आ जाएगा। या फिर कॉपी करके पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट पे सिलेक्ट कर लीजिए, उसकी पेस्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं कमेंट एंड नोट्स की। क्या होता है कि कभी कभी हम एडिशनल इंफॉर्मेशन, अप्रैल हुआ तो हम इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए न्यू कमेंट राइट क्लिक कर न्यू कमेंट पे क्लिक करते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि दिस इज Q2 डेटा और यहां पे क्लिक कर देते हैं।
अब जो ये लिखा हमने कमेंट लिखा वो तभी दिखेगा जब इसके ऊपर माउस पॉइंटर जाएगा, इसके ऊपर माउस पॉइंटर जाएगा। अब मैंने इसको कॉपी किया और मैंने जहां मुझे चाहिए वहां पे गए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे हमने क्या करेंगे, कमेंट्स एंड नोट्स करेंगे। तो कमेंट एंड नोट्स से क्या होगा कि बाकी चीज पेस्ट नहीं होगी, जस्ट इसका जो कमेंट है वो कमेंट ही पेस्ट होगा। बाकी डेटा कुछ भी पेस्ट नहीं होगा। देखिए अब बात करते हैं इसमें वैलिडेशन की, तो वैलिडेशन बाद में बात करेंगे। इसमें आता है अगला वैलिडेशन, अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसको छोड़ दिया, ये भी हमने पढ़ा नहीं तो इसको इग्नोर करते हैं, हम बाद में इसको रिकवर करेंगे। ऑल एस्पेक्ट बॉर्डर, अब इसके अंदर बॉर्डर क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा कि ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है ना, ऐसा लाइनिंग दिख रही है, इसको ग्रिड लाइन कहते हैं, ये प्रिंट में नहीं आता है, ये बॉर्डर नहीं है। प्रिंट में नहीं आता है, बॉर्डर नहीं है, तो जब हमें ऑल स्पेक्ट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो सब कुछ आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा, सब कुछ आएगा, बॉर्डर नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम तभी भी होती है कि हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग इसको ऑटो फिट कर देते हैं। ऑटो फिट क्यों करते हैं, जैसे देखिए कॉलम को ऐसा लग रहा है कि ज्यादा है, छोटा भी किया जा सकता है, देखिए कितना छोटा किया जा सकता है। तो बड़े बड़े डेटा में हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करके किसी भी कॉलम के बॉर्डर पे जाके डबल क्लिक कर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन में ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा रो सिलेक्ट कीजिए, एक एरिया सिलेक्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, वो एरिया ही होगा, पूरा नहीं होगा, इसलिए पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट करें। पूरा का पूरा कॉलम क्या सिलेक्ट करेंगे, कॉलम उसके कॉलम के हेडिंग पे क्लिक कीजिए और क्लिक को होल्ड रखते हुए माउस को मूव कर दीजिए। अब मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा तो आप देखिए इस सारा का सारा ऑटो फिट हो गया। अब जो ऑटो फिट हुआ है इसको मैं सेलेक्ट करके कॉपी करके किसी अनदर लोकेशन में पेस्ट करता हूं, तो पेस्ट करते समय आपने देखा मैं सेम शीट पे किया, आप डिफरेंट शीट डिफरेंट फाइल पे भी कर सकते हैं, तो इसने कॉलम की विड्थ को नहीं लिया। तो कॉलम की विड्थ लाने के लिए हमें वापस पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करना होता है। कॉलम विड्थ को सिलेक्ट करके ओके कीजिए। अब ये देखिए आपके सामने कॉलम की विड्थ आ गई, लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा कि पेस्ट स्पेशल में कॉलम विड्थ सिर्फ कॉलम की विड्थ देती है, डेटा नहीं देता है। तो डेटा कैसे लाएंगे, तो डेटा लाने के लिए नॉर्मल कॉपी पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप अगर लेटेस्ट एक्सेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब इस पे क्लिक करेंगे या राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आइकन दिखेंगे, बहुत सारे आइकन, इस आइकन में ये जो आपको दिख रहा है कीप सोर्स कॉलम विड्थ ब्रैकेट में W जो कि इसका शॉर्टकट है, इस पे क्लिक करेंगे तो उसका डेटा भी आएगा और कॉलम की विड्थ भी आएगी, तो इसका ध्यान आप रखिएगा। अब जरूरी क्यों है, जब बड़े बड़े जब रिपोर्ट हम बनाते हैं तो रिपोर्ट एक पेज पे प्रिंट हो, रिपोर्ट हमारा एक पेज पे प्रिंट हो या एक पेज विजुअल हो, तो उस केस में हमें इसका इस्तेमाल करते हैं।
ताकि दिक्कत ना हो। समझ गए? किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़े। जी सर, अब इसमें डालते हैं डेट। हमने डेट डाल दिया और डेट डालने में आज ही की डेट माने डाल दिया और नीचे ड्रैग कर दिया और बॉर्डर भी लगा दिया, कॉलम वेट भी लगा दिया। अब मैं इसको कॉपी करता हूं और जाहिर सी बात है कि फॉर्मेटिंग फॉर्मूला ना लेने के लिए मैं पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू करूंगा। तो पेस्ट जो वैल्यू होते हैं इस तरह के नंबर में बन गए। तो सबसे पहले मुझे इस बात को जानना होगा कि नंबर आखिर है क्या। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक कोड है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये कुछ ऐसी होगा, कोडिंग नहीं होगा। देखिए क्या समझिए, ये है नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर कंप्यूटर कैलेंडर। कंप्यूटर के कैलेंडर जब से स्टार्ट हुई है और जब तक का डेट आपने लिखा है तब तक के नंबर ऑफ डेज है। समझे सर? नंबर ऑफ डेज है। अब इसको साबित कैसे करेंगे? वैसे जी मान सर, लीजिए मैंने यहां पे लिखा एक दिन, मतलब कि कैलेंडर का पहला दिन, और इस पे मैंने लगा दिया लॉन्ग डेट या शॉर्ट डेट का फॉर्मेट, तो बन गया 1 जनवरी 1900। मतलब कि आपका जो कंप्यूटर कैलेंडर आप ऐसे भी देखोगे यहाँ पे तो आपका 1 जनवरी 1900 से ज्यादा का डेट नहीं दिखाएगा। देखिए ईयर है तो वो आगे दिखा रहा, पीछे ना। जी सर, 1922 ही है सर। तो इससे एक चीज और आती है कि आप 1 जनवरी 1900 से पहले की जो डेट होगा वो डेट नहीं एज ए टेक्स्ट होगा, राइट? अब यहां पे देखिए मैं 32 डालता हूं, ये देखिए आपका मंथ चेंज हो गया। यहाँ पे 367 डालता हूं तो ईयर चेंज हो गया। ऐसे 44614 डेज डालता हूं तो ये आपका डेट आ गया। ठीक है? जब देख होता नंबर है लेकिन जब इसके ऊपर हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं डेट का तो ईयर मंथ में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है? लेकिन जब हम पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं तो पेस्ट एज ए वैल्यू को बोला गया है रिमूव ऑल फॉर्मेट, हर तरह के फॉर्मेट को रिमूव करें। तो पेस्ट स्पेशल में हमारा रिमूव हो जाता है तो वापस आपको डेट का फॉर्मेट अप्लाई करना हो। सिर्फ डेट ही क्या नहीं, टाइम का, नंबर का, और आपके जो कस्टम फॉर्मेटिंग होते हैं, डॉलर्स होते हैं, रुपीज होता है, इसके सिंबल सब भर जाते हैं। लेकिन जब आप सिलेक्ट करते हो फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट या वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट तो फॉर्मूला के जगह पे आप नंबर फॉर्मेटिंग चाहते हैं तो फॉर्मूला एज ए नंबर फॉर्मेट, और वैल्यू के जगह पे अगर चाहते हैं तो वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट को सिलेक्ट करें एंड ओके करें। करते ही आपको देखिए यहां पे बाकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं आया लेकिन डेट की फॉर्मेटिंग आया। मतलब राइट क्लिक करके जो फॉर्मेट सेल में हमारे सॉरी फॉर्मेट सेल के अंदर जो ये नंबर की फॉर्मेटिंग होती है ना वो सारा फॉर्मेटिंग आपके पास आएगा, बाकी चीजें नहीं आएगी। तो कॉपी करके जब वैल्यू पेश कर रहे हैं तो एक नजर मान लीजिए कि कहीं कहीं आपके डेटा में डेट वगैरह के फॉर्मेट तो नहीं है, जो आपको जैसा है वैसा ही चाहिए, तो उस केस में आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर, डाउट तो नहीं है? नहीं सर, चलिए ये हो गया। अब इसमें एक चीज और भी है, जैसे मैंने यहां पे 20 लिखा यहां पे 30 लिखा, अब मैं 20 को कॉपी कर 30 के ऊपर पेस्ट किया तो 30 रिप्लेस हो गया क्या? तो मैंने इसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और यहां पे ऑपरेशंस किए।
ऑपरेशंस में मान लीजिए मैं ऐड किया तो 20 और 30 50 बन जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में जो ऑपरेशन जो आप सिलेक्ट करेंगे वही होगा। अब आपको रिसर्च करना है कि इसका बेनिफिट क्या है।